हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ, यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी खुशियाँ ढूंढना पसंद करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ छोटी छोटी सी खुशियाँ शेयर करना। तो फिलहाल ये है कि आज वीकेंड है, वीकेंड का सेकेंड डे है। सैटरडे तो बहुत ही ज्यादा लेजी हुई था, हालांकि काम तो चल रहे थे लेकिन फिर भी आराम आराम से एक स्पीड के साथ चल रहे थे। लेकिन आज है संडे, तो संडे बहुत सारे काम हो गए। हम लोगों ने लंच कर लिया, थोड़ा क्लीन अप कर लिया नीचे का, और अभी बच्चों का टाइम हो रहा है खेलने के लिए। और अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ एलडी, थोड़ा सा राशन वगैरह लेने के हिसाब से। राशन में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक सामान चाहिए। दूध तो लाना बहुत इम्पोर्टेंट है, दूध, ब्रेड वगैरह, और एक कुकी वगैरह लाने का मन है मेरा। तो अभी फिलहाल जा रही हूँ जल्दी से और फटाफट से जाती हूँ, आप लोगों को अपने साथ लेके चल रही हूँ। फटाफट से शॉपिंग करके घर आते हैं, फ्रूट्स लेने हैं ऑफ कोर्स। तो मैंने सोचा कि अच्छा टाइम है, बच्चे जब तक अपना फ्री होके बैठे हैं तो मैंने सोचा कि चलो अभी वो बैठे हुए हैं तब तक मैं फटाफट से ग्रॉसरी रन कर लेती हूँ। उसके बाद चाय नाश्ते का टाइम हो जाएगा, फिर बच्चों को बाहर खिलाना रहेगा, फिर डिनर टाइमिंग, फिर बच्चों को क्लीन अप करना, कल की तैयारी करना, लॉन्ड्री जो हो चुकी है बची कुची वो वापस ऊपर लाके रखना। तो ये सारे काम मुझे अभी आने के बाद करने हैं। बच्चों के डैडी, उनके आंखों में हल्की सी, एक साइड की, राइट साइड की जो आंख है उसमें हल्की सूजन आ गई, तो वो रेस्ट कर रहे हैं। यूं भी उनको थोड़ा सा लेजी फील हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हल्का हरारत जैसा लग रहा था, बॉडी एक हो रहा था बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि मैं भी आज रिकवर होना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, इतने कोई बड़े काम भी नहीं है, कहीं बाहर जाना नहीं है, बहुत सारे काम तो उन्होंने कल ही कर दिए थे। आज सुबह जब उठे थे तो आंख में सूजन आ रही थी, तो मुझे वही लग रहा था कि आज इनको सूजन कैसे आ गई। पर मेरे ख्याल से परसों के दिन वो जब गाड़ी साफ कर रहे थे तो यहाँ पे ना हल्के हल्के छोटे छोटे से मच्छर हो रहे थे, तो आई थिंक सो वो बग बाइट हो गया है उनको, बस वही चक्कर है। बट कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है, दवा डाल ली है। तो चलिए फिलहाल ये सब बातें बाद में, अभी चलते हैं एलडी, थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं और साथ में, और उसके बाद दूसरे काम करते जाते हैं। संडे रीसेट रूटीन है ये, तो चलिए चलते हैं। कभी अचानक से बारिश होने लगती है, कभी अचानक ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है। आज काफी ज्यादा सनी सनी सा बाहर का मौसम है, उमस हो रखी है क्योंकि दो दिन से बहुत बारिश और बादल छाए हुए थे। हालांकि सुबह जब मैं उठी थी ना, सुबह में बहुत ज्यादा बादल छाए हुए थे, बहुत ज्यादा उमस हो रखी है, इसीलिए बच्चे घर में बोर हो रहे थे। तो बच्चे बोले कि आज तो हम लोग बाहर खेलना चाहते हैं। मैंने कहा वैसे भी तुम लोग रोज ही खेलते हो, लेकिन आज ना वीकेंड के टाइम पे उनका ये मन होता है कि दिन भर ही घर के बाहर रहे, पर वो अच्छा भी रहता है, इससे कम से कम लेस स्क्रीन टाइमिंग होता है। तो वही मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाऊंगी, उनको बच्चों को बाहर खिलाऊंगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। थोड़ा काफी सारे लोग निकले हुए हैं बाहर आज तक, चलिए ग्रॉसरी का काम निपट जाएगा ना तो एक तसल्ली हो जाएगी। ये वही रास्ता है जो मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लग रहा है ना, एकदम हरा हरा। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी लिया है कटिंग करा हुआ, स्पिनच के दो बैग लिए हैं, केले लिए हैं, बंस लिए हैं, ब्रेड लिए हैं और दो दूध लिए हैं। अब आगे चलते हैं। चलिए मेरा एलडी का काम हो गया है, बहुत ही हार्ड एंड फास्ट में करा है मैंने, क्योंकि कुछ ज़्यादा सामान लेना नहीं था, जैसे कि अभी आपने देखा दूध, कुछ सब्जी गिनती की है और ब्रेड, वैसे चलिए फ्रूट ले लिया केले। चलिए चलते हैं घर, घर पहुंच के बच्चों को खिलाने भी जाना है। सामान तो ले लिया, लेकिन जो उसमें खास चीज थी ना, जैसे कि प्रिशा को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, और प्रिशा ने मुझे स्पेशली बोल के भेजा था कि मम्मा स्ट्रॉबेरी लेकर आना, लेकिन मैं गई हूँ, स्ट्रॉबेरी थी नहीं वहां पे। मैंने दो जनों से पूछ लिया कि भाई स्ट्रॉबेरी है कि नहीं है, पीछे स्टोरेज में तो नहीं है, बट दे सेड इट नो वी डिडंट गेट इट। सो मतलब आज उनके पास नहीं आई है स्ट्रॉबेरी, टुडे वी डिडंट रिसीव एनी पैकेज फॉर स्ट्रॉबेरी। तो मैंने कहा ओह गॉड, अब प्रिशा को कैसे समझाऊंगी,
लेकिन कोई बात नहीं, प्रिशा को मुझे मनाना पड़ेगा कि प्रिशा उन लोगों के पास स्ट्रॉबेरी नहीं थी आज के दिन, तो ऐसे ही काम चलाते हैं। पर कोई बात नहीं, बनाना लाई हूँ, ब्लूबेरी भी है, तो प्रिशा को आज ब्लूबेरी और बनाना खिला के थोड़ा मनाने की कोशिश करूंगी। चलिए गाइस, मैं घर आ गई थी, सामान ऊपर जमा दिया, ज्यादा कुछ सामान लेना ही नहीं था, पर मैं जब तक घर आई हूँ ना तब तक दोनों बच्चे बाहर निकल गए। आज हवा इतनी अच्छी चल रही है, हालांकि धूप तो है, थोड़ा सा ऐसा बोरिंग सा और लेजी सा फील तो हो ही रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और थोड़ा ना हम लोग ही दर्द रहे हैं यहाँ तो। आज तो मेरे ख्याल से सब लोग बाहर गए हुए हैं सैटरडे संडे मनाने के लिए, मोस्टली हम लोग भी बाहर ही रहते हैं, पर अब ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड हम लोगों को जाना है, नेक्स्ट वीकेंड अलग काम रहेंगे बहुत सारे लोगों का। और पता है ग्रेजुएशन पार्टी भी आ रही है, और हाँ मैंने आप लोगों को बताया नहीं, बच्चों की बर्थडे पार्टी भी आ रही है नेक्स्ट मंथ, तो वो भी हम लोगों को प्लान करनी है। लेट्स सी वन बाय वन, अभी तो बहुत सारे काम आते जाएंगे। प्रिशा यहाँ पे आदि आ गया, प्रिशा यहाँ पे बाइकिंग चला रही है ये देखिए, और आदि भी आ गया। आदि कमाल जी का, आदि मुझसे पूछ रहा है कि पॉप्सिकल क्यों नहीं बना रही हूँ। मैंने कहा मैं बाद में बनाऊंगी ऊपर जाके। गो टेक बाइक, बाइक क्या, टेक अराउंड, गो गो प्रिशा, ओके एंड गेट योर क्लिप आल्सो चिकला, हेयर क्लिप ऊपर छोड़ दिया, इतने सिल्की बाल है ना प्रिशा के, इतनी अच्छी हवा चल रही है, वाह वाह बहुत ही बढ़िया। ये देखो आदि यहाँ पे है, धूप तो बहुत कड़क निकली हुई है बॉस, अभी मैं गई थी ना गाड़ी में इतनी कड़क धूप लग रही थी, पर फिर भी हवा चल रही है। अरे क्रैश नहीं करना है बेटा, नहीं ओके बस ये दिन लंबे हो जाते हैं गर्मियों के, और आज ना बाल धोए हैं, तो बाल धो के ना मस्त अच्छे से बांध लिया है, क्योंकि मैं बालों को ऐसे खुला नहीं रखती हूँ धोने के बाद। यू वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, चलो लेट्स गो, ओके बट वी विल नॉट गो इन अ पार्क, ओके। मैं बच्चों को बोल रही हूँ, आदि मुझे बोल रहा है उसे वॉक पे जाना है, लेकिन मैं उसे बोल रही हूँ पार्क में नहीं चलेंगे, ओ गॉड वास्प आ गया, पार्क में नहीं चलेंगे। अभी मैं जा रही हूँ आदि के साथ एक छोटी सी बाइक राइडिंग पे, तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपना फ़ोन यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ, एक बाइक का राउंड लेकर आती हूँ, वापस से आप लोगों को कैचअप करती हूँ। राइट आदि, डू यू लाइक दैट? ओह या, ओह या, दिस इज सिस्टर्स बाइक, लेट मी पुट इट बैक, ये प्रिशा की बाइक है, गो गेट योर बाइक। बाय बाय, we're just going for the bike ride, long bike ride. How long are you going to take? Maybe. Adi, come on. चलिए जी, हम लोगों की बाइकिंग हो चुकी है, आ गए घर। Adi, can you park inside? There you go. चलो 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 चलो। ये प्रिशा यहाँ पे मस्ती कर रही है, प्रिशा उठ जा चिकलो, मस्ती कर रही है प्रिशा यहाँ पे, कब से बोल रही हूँ सीधे हो जा सीधे हो जा। मैंने ना यहाँ पे ये बर्तन भी लोड कर दिए हैं, क्योंकि सिंक के सारे बर्तन मैंने यहाँ पे लगा दिए फटाफट फटाफट, सुबह के भी बर्तन थे, कल रात के भी बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि चलो लगा देते हैं। और प्रिशा आप लोगों को दिखाना चाह रही है बाहर, एक मिनट मैं चालू कर देती हूँ पहले इसको, मशीन एक बार के धुल जाएगी ना बर्तन, चलो ये लगा दिए। साथ में मैं आपको बताऊं, ये हमारे है ना, ये ऐसा ये मधुमक्खी का छत्ता बन गया है यहाँ पे, ये जहाँ पे मैं तुलसी रखती हूँ ना, बस उसी के ऊपर बना हुआ है यार, बहुत रिस्की लग रहा है मुझे, और मैं बच्चों के डैडी अभी आ जाए ना तो उनको बोलती हूँ कि भाई अपने यहाँ तो मधुमक्खी का छत्ता हो गया। और ये जो है ना, ये देखो, ये इतनी बड़ी सी मधुमक्खी आ रही है यहाँ पे, इतनी बड़ी सी, वो छाते के अंदर घुस रही है, जो डेक अम्ब्रेला होता है ना उसके अंदर घुस गई है वो, वही बोलने वाली थी यार, उसके अंदर अब मधुमक्खी घुस गई, अब ऐसा ना अंदर ही मधुमक्खी का छत्ता बन रहा और हमें पता ही ना पड़े, और मधुमक्खी वालों को बुलाना पड़ेगा पता है सफाई के लिए, ये भी हटाएंगे और उधर से भी हटाएंगे। प्रिशा यहाँ पे खड़े होके देख रही है,
कब से मैं इसे बोल रही हूँ मधुमक्खी इसको क्यूट लग रही है. ओह माय गॉड दैट्स इनफ प्रशा ओके या दैट्स इनफ ओके. चलिए आज तो बहुत सारे काम हो गए हैं. ग्रॉसरी का काम हो गया, सुबह से घर की सफाई जो कर रही थी वो भी हो गई, ऊपर के दोनों कमरे साफ कर दिए, बाथरूम साफ हो गया, नीचे का रूम साफ हो गया, लॉन्ड्री हो चुकी है, गैराज का एक बार का झाड़ू लग गया है और ग्रॉसरी हो चुकी है, जमा भी दी, सुबह का खाना हो चुका था, दाल काफ़ी सारी बची हुई है तो उसके साथ अब रोटियाँ उतारूँगी, बच्चों के साथ बाइकिंग हो गई, बाहर खेलना हो गया. अब आदि को मैंने ऊपर भेजा है बच्चों के डैडी के साथ नहाने के लिए. आदि नहा के नीचे उतरेगा फिर प्रेशर जाएगी नहाने के लिए. तो बस ऐसे वन बाय वन और हो गया हम लोगों का आज का संडे भी ख़त्म. अब जो है कि घर बिल्कुल साफ़ है तो अगले हफ्ते की पूरी तैयारी हो चुकी है. तो ये वाला वीकेंड भी गया पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था, काफ़ी सारे काम कर लिए. बच्चों के डैडी की आँख जो है वो हल्की सी सूजन वाली है तो उनका सर दर्द भी हो रहा है, क्योंकि अगर आँख सूजती है तो सर दर्द भी होने लगता है उनका. तो बस वही था.